हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बेस्ट बैकग्राउंड फोटो बैकग्राउंड इरेजर का एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों फोटो का बैकग्राउंड इरेजर में बेस्ट एप्लीकेशन है। जी हाँ दोस्तों, उस एप्लीकेशन में सिंपल तरीके से आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने दो वीडियोज़ बनाए हैं फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करने के बारे में। उन दोनों ही वीडियो पर आपका दोस्तों अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, इसीलिए दोस्तों मैं इस तीसरे वीडियो को यहाँ पर बना रहा हूँ। और इस एप्लीकेशन में दोस्तों सबसे इजी तरीके से आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बैकग्राउंड तो इरेज कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और अच्छी बात है इस एप्लीकेशन में, वो है दोस्तों आप इस एप्लीकेशन में अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करके अपनी मनपसंद का बैकग्राउंड जो है वो लगा सकते हैं। तो वो दोस्तों प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, पिककट एप्लीकेशन का नाम है। तो इस एप्लीकेशन को दोस्तों लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको दोस्तों वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर ओपन करने के बाद अगर दोस्तों आपके सामने कुछ परमिशन मांगता है तो उसे आपको एलो कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर दोस्तों दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला है दोस्तों वर्क का और उसके बाद है दोस्तों स्टूडियो का। तो उन दोनों ऑप्शन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है टूल्स। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कटर का, तो उस पर हमें क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपको वो फ़ोटो दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर ये वाला फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नीचे चार ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, इरेज का, इरेजर का, ऑटो कट का, मैजिक का और रिमूवर का। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इरेजर पर हम बात करते हैं, तो इरेजर पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस इरेज वाले पर अभी सिलेक्ट कर लेना है आपको, और यहाँ पर साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली बैकग्राउंड इरेज करने कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको बैकग्राउंड इरेज कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से मैं दोस्तों पूरे बैकग्राउंड में यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इरेज कर दिया है। तो यहाँ पर इरेज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इस राइट के बटन पर ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर ये फोटो आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर आ जाएगा, आपका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर इरेज हो चुका है। तो यहाँ पर सेव करने के लिए आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ से आपको इसका साइज़ नीचे यहाँ पर आ रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से कोई भी। और यहाँ पर कस्टम का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर मैं स्क्वायर का क्लिक कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है हमें। तो यहाँ पर हमारा इमेज जो है वो दोस्तों यहाँ पर सेव हो चुका है। तो ये यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात हमने कर ली। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से कटर पर क्लिक करता हूँ, एक और फिर से दोस्तों वही इमेज सिलेक्ट करता हूँ, और इस बार दोस्तों यहाँ पर हम ऑटो कट की बात करते हैं, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से अगर आपको अपना बैकग्राउंड इरेज करना है तो वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ड्रॉ पर ही क्लिक रहने देना है, और उसके बाद जो इमेज का बैकग्राउंड है वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों अपना इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड नहीं सिलेक्ट करना है, अपना इमेज दोस्तों सिलेक्ट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं दोस्तों इसको प्रॉपरली करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रॉपरली करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रॉपरली कर लेना है इस तरीके से, आपको दोस्तों अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेनी है अपने कपड़ों के साथ, और उसके बाद यहाँ पर राइट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जितना भी आप दोस्तों जैसे जैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए उस तरीके से आपका इमेज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों वही प्रोसेस यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों इस मैजिक वाले ऑप्शन की। तो यहाँ से हम एक बार बैक कर लेते हैं, और फिर से दोस्तों कटर में जाकर वो इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैजिक पर क्लिक करने हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से। तो इस मैजिक वाले ऑप्शन में भी सेम दोस्तों आपको बैकग्राउंड पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है, बैकग्राउंड आपको यहाँ पर इस तरीके से बैकग्राउंड इरेज नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना ही दोस्तों इमेज सिलेक्ट करना है, और सबसे दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है इस एप्लीकेशन में इस मैजिक वाला ऑप्शन। यहाँ पर कुछ भी दोस्तों ऐसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी देखिए ऑटोमेटिक ही दोस्तों मैजिक होकर सिलेक्ट हो जाएगा, आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो भी दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर अपने इमेज का बैकग्राउंड जो है वो दोस्तों इरेज कर सकते हैं दोस्तों इस मैजिक वाले ऑप्शन की मदद से। तो यहाँ पर दोस्तों आप सिलेक्ट करके इस तरीके से इजी वे से अपना जो है बैकग्राउंड जो है वो दोस्तों इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से अपना फ़ोटो और कपड़ा सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट के बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका जो है ये इमेज जो है बैकग्राउंड जो है इसका हट जाएगा। अब बात करते हैं इस रिमूवर की दोस्तों। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, और फिर से दोस्तों एक नई इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, और उसके बाद यहाँ पर रिमूवर पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस
इस रिमूवर के ऑप्शन का आपको यूज़ तब करना है जब दोस्तों आप मान लीजिए आपने कोई सेल्फी या अपना फोटो लिया है तो बैकग्राउंड में किसी और आदमी की भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी यहाँ पर कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है तो उसको इरेज करने में दोस्तों आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको इस ड्रॉ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जिस हिस्से को दोस्तों आप हटाना चाहते हैं उस पर आपको सिर्फ एक बार इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब जितना हिस्से को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं उसको दोस्तों आपको एक ही साथ में यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से राइट के बटन पर क्लिक कर देना है तो वो हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटोमेटिक ही कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस ऑप्शन के बदले आपको जो तीन ऑप्शन मिल रहे हैं दोस्तों वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर और सबसे ज़्यादा खास ऑप्शन है दोस्तों इस मैजिक वाले ऑप्शन में। आप यहाँ पर सिर्फ दो तीन बार क्लिक करके अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो इरेज कर सकते हैं। तो वो फोटो का बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिल रहे हैं तो इसका यूज़ दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस एडिटर वाले ऑप्शन की तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और अभी जो हमने फ़ोटो दोस्तों यहाँ से बैकग्राउंड इरेज करके यहाँ पर निकाला है उस फोटो को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने अपना बैकग्राउंड इरेज नहीं किया था क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। यहाँ पर इसमें आपको बैकग्राउंड इमेज अगर दोस्तों आपके मनपसंद लगाना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों ऑप्शन आपको इस एप्लीकेशन में मिल रहा है। तो दोस्तों बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर बीजी चेंज पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गैलरी पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी गैलरी में कोई इमेज है जिसे आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो आपको गैलरी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर स्टोर पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में भी काफ़ी ऐसी इमेजेस आपको फ्री मिल रही है जिसे आप अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी इमेजेस है जिसे आप दोस्तों अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कोई भी एक इमेज पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी दोस्तों इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ही बैकग्राउंड में लग चुकी है। यहाँ पर अपनी मनपसंद का बैकग्राउंड भी अपने इमेज में लगा सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन से दोस्तों आप बहुत ही अच्छा अपना जो है तरीके से आपको इमेज नहीं लगाना है और कोई कलर दोस्तों लगाना है अपने बैकग्राउंड में तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस बीजी कलर पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कोई भी कलर दोस्तों चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो जैसे जैसे यहाँ पर इस कलर पर मैं क्लिक करूँगा तो कलर जो है बैकग्राउंड का यहाँ पर चेंज होता रहेगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर किसी दूसरे इमेज को यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको कोई भी दूसरी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से मैं कोई भी दूसरी इमेज जो है वो दोस्तों सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाली इमेज अगर मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से दोस्तों आप इसके ऊपर भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपनी दूसरी इमेज को भी। तो इस एप्लीकेशन में दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं अपने फ़ोटो को एडिट करने के लिए। और फोटो को अगर आपको सेव करना है तो सेव पर आप क्लिक करके यहाँ पर फ़ोटो को सिंपली सेव कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस दो ऑप्शन की। तो ये है दोस्तों वर्क जहाँ पर आपने जो काम किया इस एप्लीकेशन पर वो आपको शो होगा और बैकग्राउंड पर यहाँ पर आपको कुछ भी अभी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्टूडियो पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो इमेजेस बैकग्राउंड की थी वो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों इस स्टूडियो वाले ऑप्शन में। यहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और फोटो इरेजिंग के लिए दोस्तों मेरी राय में बेस्ट एप्लीकेशन है। तो आप इस एप्लीकेशन का दोस्तों यूज़ ज़रूर करें और सबसे खास वो मैजिक कट वाला जो ऑप्शन था वो दोस्तों उसकी मदद से आप दोस्तों काफ़ी आसानी से अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको और भी ऑप्शन जो मिल रहे हैं वो भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जैसे कि आप बैकग्राउंड को अपनी मनपसंद में चेंज भी कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।